एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। 10th क्लास के मैथ्स इंग्लिश और साइंस का बहुत ही अच्छा रहा था वनडे बिफोर, उसके बाद डिमांड पे मैंने 12th की इंग्लिश का वनडे बिफोर किया था, उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चंस टू द पॉइंट आए हुए थे जो मैंने ऐड किया हुआ था आंसर, और पोएट्री के भी आंसर टू द पॉइंट थे। शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्टेड जरूर था लेकिन फिर भी आंसर कुछ हद तक टैली कर रहे थे, तो मिला जुला कर पेपर वो भी बहुत अच्छा रहा। अब डिमांड पे ही मैं इकोनॉमिक्स का वनडे बिफोर करने जा रहा हूँ, कोशिश है कि इसमें से ज़्यादातर पेपर आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें 13 क्वेश्चंस आने हैं, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आने हैं यानी कि 10 मार्क्स, और 30 to 50 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है। 3 मार्क्स के जो है 5 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं वो भी 15 मार्क्स के हो गए, और इसका आंसर 50 to 80 वर्ड्स में देना है, और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं यानी कि वो 15 मार्क्स, यानी कि टोटल हमारे 40 मार्क्स हुए और क्वेश्चन की संख्या हो गई 13। केस स्टडी एक आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आता ही है, हर एग्जाम में आ रहा है, तो चांस है जैसे कि जो हमारा नेशनल इनकम का, नहीं तो वो जो इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना का कंपैरिजन, उसमें से कुछ दे दिया जाए और आपको उसके बारे में बताना पड़े, कंपैरिजन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर जो भी है। तो इस तरीके से एक चीज ध्यान रखेंगे कि वर्ड लिमिट का पूरा ध्यान रखना होता है, कि ज्यादातर इकोनॉमिक्स का मतलब ये इकोनॉमिकल होना, आंसर भी इकोनॉमिकल देना, यानी कि इतना लेंदी कर देंगे ज्यादा वर्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद मार्क्स कट जाते हैं, तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। वन डे बिफोर है तो मेरी कोशिश होगी 25 to 30 क्वेश्चंस ही आपको बताऊं, और वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों को कोशिश करूंगा बता पाऊं, ताकि आपका क्विक रिवीजन भी हो सके। तो शुरू करते हैं, हमारे पास जैसे कि पार्ट वन मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, इसमें 2 ही चैप्टर आने हैं, एक तो नेशनल इनकम है और एक जो है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है, यानी कि राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय का निर्धारण है, तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पहला पार्ट जो है ये 22 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स का है, और डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम 12 मार्क्स का है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा 22 मार्क्स का हो गया। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर जो है एम्प्लॉयमेंट चैप्टर 7 है, इंफ्रास्ट्रक्चर है चैप्टर 8 यानी कि रोजगार हो गया, दूसरा हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है ना, तीसरा हमारा जो है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया है ना, ये 7, 8, 9 चैप्टर, और चैप्टर 10 जो है वो भारत पाकिस्तान और चाइना का कंपेरिजन है। तो ये तीनों चारों चैप्टर को मिलाकर हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं 18 मार्क्स के, यानी कि ये हमारे 22 and 18 हो गए 40 मार्क्स, तो चैप्टर वाइज भी मैंने बता दिया है। अब चैप्टर वाइज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, कि जैसे अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम से, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या आता है मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से कॉमन एरर्स हैं या कहाँ क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, ताकि आप उस चीज से बच सके, आपका पेपर बिल्कुल गलत ना हो। न्यूमेरिकल के लिए भी जो ट्रिक है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और मैं इस वीडियो में अटैच भी करूँगा, कुछ नोट्स हैं जो कि अटैच करूँगा मैं आपकी सहूलियत के लिए, हालांकि इंग्लिश मीडियम में है फिर भी हिंदी में जहाँ जहाँ है मैं कोशिश करूँगा बताने की। जैसे नेशनल इनकम से पहला क्वेश्चन बनता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस, यानी कि अंतिम वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ, तो दोनों में आता है कि अंतिम वस्तुएं वे होती हैं तो उपभोक्ता की प्रत्यक्ष संतुष्टि करती हैं, यानी कि डायरेक्ट नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, दैट इज फाइनल गुड्स, जैसे कि मैं बिस्किट खा रहा हूँ दैट इज फाइनल गुड्स है ना। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो है जो कि इंटरमीडिएट है, बीच में इस्तेमाल की जाती हैं और रीसेल के लिए फिर से आ जाती है मार्केट में, जैसे कि अगर शुगर है चीनी का अगर बिस्किट कंपनी ने यूज़ किया तो चीनी को उसने ऐड कर दिया है बिस्किट में, चीनी का मूल्य भी शामिल है, तो इसलिए इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं। तो दोनों में डिफरेंस आता है, दोनों करेंगे तो दोनों क्वेश्चन के बारे में भी बता पाएंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, शामिल नहीं करते हैं, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं को। इसके बाद अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स भी है, यानी कि उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं वे होती हैं जो उपभोक्ता की इस्तेमाल के काम आती हैं,
जैसे मैंने कहा ना, कागज है, कॉपी है, पेन है, बिस्किट है जो हम खा रहे हैं, लेकिन पूंजीगत वस्तुएं जो कि प्रोडक्शन में काम आ रही है, जैसे कि मशीनें हैं, मशीनरी है, हमारे काम नहीं आ रही है, वो तो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है ना, तो उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और इसके बाद एक और भी है क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में, स्टॉक एंड फ्लो में आ जाता है डिफरेंस। स्टॉक और हिंदी में फ्लो को प्रवाह कहते हैं, यानी कि स्टॉक वो है जो कि एक टाइम पॉइंट पे मापा जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे। अभी जैसे कोई पूछे कि आपकी कितनी संपत्ति है तो आप बताएंगे कि इतनी है, या नेशनल प्रॉपर्टी की बात होगी, नेशनल कैपिटल की बात होगी, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जाएगा, समय बिंदु पे मापा जाता है। और प्रवाह जो है वो समय अंतराल में मापा जाता है, जैसे कि हम राष्ट्रीय आय की बात, अगर आपसे कोई मंथली इनकम पूछेगा तो आप मंथली बताएंगे, एनुअल बताएंगे, वार्षिक इनकम। तो ये क्या है, फ्लो है। यानी कि एक बात करें पानी में, पानी टंकी है, टंकी में पानी है वो स्टॉक है, और उसको जब मैंने फ्लो किया तो किस दर से गिर रहे, वो उसका प्रवाह है। तो ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो कहते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में टू सेक्टर में आता है अब आपके, हालांकि पहले फोर सेक्टर भी थे लेकिन अभी टू सेक्टर है। इसमें देखिए, एक तरफ फैमिली हाउस होल्ड है और दूसरी तरफ क्या है, फर्म है, यानी कि परिवार गृहस्थ हो गए और दूसरी तरफ फर्म हो गए। तो इसमें क्या है, रियल फ्लो, और एक आता है जिसको हम कहते हैं मॉनिटरी फ्लो, मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या है कि अगर मान लो एक फर्म को किसने दिया, हाउस होल्ड ने दिया, क्या क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनरशिप, कहाँ से आया, यानी कि हिंदी में कहूँ तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये सब देने वाला कौन था, कोई ना कोई गृहस्थ, कोई ना कोई फैमिली होल्ड्स। बदले में उन्होंने क्या दिया, फर्म ने, सामान और वस्तुएं जिस सेवाएं बनाई है वो किसने दी, फर्म ने, किसको मिले, गृहस्थ को ही मिले। तो यानी कि ये फ्लो हुआ है वस्तुओं का, यानी कि रियल फ्लो कहते हैं, वास्तविक प्रवाह है। जबकि मॉनेटरी फ्लो इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि अगर मैं इधर फैमिली को और इधर फर्म को लिखूंगा तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनरशिप के बदले में क्या मिला है, किराया, लगान, ब्याज और लाभ, किसको मिला, हाउस होल्ड। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इंटरेस्ट है, वेजेस है, है ना, प्रॉफिट है, ये सब कहां, किसको मिला, क्योंकि कोई ना कोई हाउस होल्ड ही था जिसने ये सुविधाएं दी थी, तो उसको बदले में ये मिला, उसी पैसे को उसने खर्च किया, किसमें, वस्तुओं और सेवाओं में, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में। तो पैसा कहाँ चला गया, फर्म के पास। यानी कि देखिए, गृहस्थ ने सेवाएं दी किसकी, लैंड के रूप में, लेबर के रूप में, कैपिटल के रूप में, एंटरप्रीनरशिप के रूप में, बदले में उनको इसके बदले मिला भूमि को, लगान, श्रम को, मजदूरी, कैपिटल पैसे को, ब्याज, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की थी, उद्यम का काम किया तो बदले में मिला लाभ। यानी कि एक तरफ रियल फ्लो हुआ तो जस्ट अपोजिट मनी फ्लो हुआ, उधर उन्होंने वस्तुएं बनाए, कहाँ गया, फर्म से हाउस होल्ड के पास, तो हाउस होल्ड ने उनको बदले में पैसे दिए वस्तुओं को, जो पैसा वहां गया उन्होंने, इसी को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। यानी कि एक तरह से प्रोडक्शन हुआ है, फिर कंजम्पशन हुआ है, जो बचा वो इसको इन्वेस्ट कर दिया गया, तो इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो बना फर्म का और हाउस होल्ड का, जो पेपर में अक्सर आता है। इसके बाद आपका जो है डेप्रिशिएशन और कैपिटल लॉस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेप्रिशिएशन क्या है कि जो नॉर्मल वियर एंड टीयर को हम कहते हैं, सामान्य अर्थ में हम कहें कि मूल्य ह्रास क्या है, सामान्य टूट फूट और प्रस्तावित जो प्रचलन से बाहर कोई चीज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं, जबकि अप्रस्तावित अप्रचलन है, जैसे मशीनें हैं वो एकाएक हमें पता थी कि अगर मेरा मोबाइल है 2 साल में ये आउटडेटेड हो जाएगा, तो ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो हो गया, अप्रत्याशित अप्रचलन जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, एकाएक आग लग जाए, भूकंप आ जाए, इसे जो पूंजीगत हानि हो रही है उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं, पूंजीगत हानि हो गई, जैसे आग से, भूकंप से, कुछ और चीज़ों से, लेकिन मूल्यह्रास तो वहाँ भी हुआ, मतलब कीमत में कमी तो उसके कारण भी आई असेट्स में, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड थी। अब हमारे पास आ जाता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ये ध्यान रखिएगा कि जो साधन आय है यही राष्ट्रीय में शामिल होता है, यानी कि फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम जिसको हम हस्तांतरित आय कहते हैं वो शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो बदले में वन साइडेड पेमेंट है, एक तरफा भुगतान है। अगर मैं ट्रांसफर पेमेंट की, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, क्या है, वन साइडेड है,
देने वाले की इनकम से आया, लेने वाले की इनकम में चला गया। जबकि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में हम शामिल करते हैं। फैक्टर इनकम क्या हुआ, जैसे कि लगान किराया ब्याज वाला है ना, जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट है, वेजेज है, प्रॉफिट है, सब फैक्टर इनकम है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर में एक क्वेश्चन, हाँ डबल काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है कि डबल काउंटिंग क्या है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो इससे बचने के दो उपाय हैं, फाइनल आउटपुट मेथड है और एक हम जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि मूल्य वृद्धि विधि और अंतिम उत्पाद विधि। इससे डबल काउंटिंग दोहरी गणना की समस्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में किसी एक मद का दो या दो से अधिक बार गिना जाना है ना, काउंटिंग ऑफ टू और मोर देन टू टाइम्स ऑफ वन आउटपुट इज नोन एज डबल काउंटिंग। ऐसे मान लेते हैं कि गन्ने वाले ने गन्ने की कीमत ऐड कर ली, उसी गन्ने से चीनी बनाने कंपनी ने गन्ने को भी ऐड कर लिया, चीनी को भी किया, बिस्किट वाले ने चीनी की कीमत भी ऐड कर ली। अब चीनी तो देखिए बिस्किट की कंपनी में जब एक फाइनल गुड्स आ गया तो इससे बचने के लिए हमने सिर्फ बिस्किट की कीमत ले लेनी थी, नहीं तो गन्ने की काउंटिंग तीन बार हो गई, गन्ने के किसान के द्वारा भी हो गई, चीनी की कंपनी से भी हो गई और बिस्किट से। इसी को हम डबल काउंटिंग कहते हैं, इससे नेशनल इनकम ज्यादा आ जाएगा फिर, है ना। इसमें एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडीपी, जिसको हम नॉमिनल और एक रियल का आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो उसको हम कहते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय है, यानी कि वास्तविक अगर जीडीपी है तो वास्तविक जीडीपी है। लेकिन एक हम करेंट प्राइस पे करें यानी कि चालू कीमत पर, तो वो क्या है, वास्तविक नहीं है, भ्रम पैदा कर सकता है। उससे ये हो सकता है कि आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाए, जैसे प्राइस बढ़ गई तो उसकी कीमत आपकी बढ़ जाएगी, जबकि वाकई में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, है ना। तो ये लिमिटेशंस है इसकी कि भाई हम इसलिए रियल नेशनल इनकम जब निकालते हैं, रियल जीडीपी, तो वो कॉन्स्टेंट प्राइस पर। और इसका भी आता है कि इसके क्या लिमिटेशंस है, अगर मान लो जीडीपी क्या सही में ग्रोथ को इंडिकेट करता है, अगर जीडीपी हुआ लेकिन आर्मी गुड्स के प्रोडक्शन के कारण हुआ तो उससे या इक्वलिटी नहीं बनी तो उससे बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं माना जाएगा, तो वो इसके लिमिटेशंस है। यानी अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, डोमेस्टिक टेरिटरी जिसको हम कहते हैं घरेलू सीमा, कौन शामिल होता है कौन नहीं होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन क्या है, है ना। क्योंकि देखिए 2 मार्क्स से 5 क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्मल रेसिडेंट, यानी कि जो इसको हम सामान्य निवासी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पॉइंट वाइज भी आ जाते हैं कि सामान्य निवासी है या नहीं है, या इसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, गिव रीजन, है ना। तो उनमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल टेरिटरी के इंक्लूडिंग वो भी है जो कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे एमएससीज हैं या हमारे जो आर्मी शिप्स वगैरह हैं, ये सभी उसमें शामिल है। यानी कि अगर मैं इसको डेफिनेशन में कहूँ हिंदी में कि घरेलू सीमा से अभिप्राय किसी देश के राजनीतिक व भौगोलिक सीमा के अलावा ही नहीं, इसमें अन्य तत्व भी शामिल है, यानी कि वो भी है और इसके अलावा अन्य तत्व भी शामिल है, जैसे कि दो देश के बीच में चलने वाले सैनिक यान, वायुयान, है ना, दूतावास एक्सेट्रा। यानी कि इट इंक्लूड्स नॉट ओनली पॉलिटिकल बाउंड्रीज बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स करके उसके बाद जो आप शिप्स, आर्मी शिप्स, एम्बेसीज एक्सेट्रा, ये सब डाल देते हैं। इसके बाद जो नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब सामान्य निवासी है, ये क्या है, जिनकी नेशनल इनकम में हम इनकम को शामिल करते हैं, तो ये क्या है, ये इसमें बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति व संस्थाएं वो दोनों ही शामिल होती है, केवल व्यक्ति व्यक्ति लिख देते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है। सामान्य निवासी से अभिप्राय उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से है जिस देश में, जो उस देश में एक साल या उससे अधिक अवधि के लिए रहते हैं और आर्थिक हित उसी देश में केंद्रित होता है, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, दे रिसाइड्स इन दैट कंट्री वन और मोर देन वन ईयर, है ना, दे आर नोन एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज पीपल। तो अब यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों आए, तो इसमें आता है कि वो शामिल होगा कि नहीं है, वो भारत में रह रहा है या कहाँ रह रहा है, या पाकिस्तान नेपाल से आता है, उसकी इनकम राष्ट्रीय में शामिल होगी कि नहीं होगी, तो इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं, है ना, उसको आप बिल्कुल देख लीजिएगा। प्रिकॉशंस भी नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो वो भी आता है। पहले मैं इसके अलावा जैसे कि 2-3 क्वेश्चन, जैसे कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WHO में काम कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय निवासी कहलाता है, इंटरनेशनल रेसिडेंट्स वो कहलाते हैं, ना कि
उस देश में करते हैं जहां वो काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, इसको आते हैं, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद जो है आपको नेशनल इनकम कंप्यूट करने का इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है ना, वैल्यू आउटपुट मेथड भी है ना, वैल्यू एडेड मेथड। लेकिन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं हालांकि तीनों को क्विक रिवीजन है, कोशिश कर रहा हूँ कि 20-25 मिनट में ही आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाए, तो मैं बता भी रहा हूँ कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। अगर मैं इनकम मेथड की बात करूँ तो मैं इनकम मेथड से डेफिनेशन दूंगा, है ना, पहले नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है, यानी कि इन वन फाइनेंशियल ईयर होता है इनकम जनरेटेड बाय ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, है ना, किसी भी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित एक लेखा वर्ष में समस्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध अर्जित आय भी शामिल होता है। तो ये आपको याद रखना है। एक्सपेंडिचर मेथड से जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया है किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा वो राष्ट्रीय आय, तो पहले तो ये लिखते, फिर इसके स्टेप्स लिखने होते हैं। तो स्टेप्स में क्या है कि हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीन सेक्टर में बांट देते हैं, है ना। अगर मैं इनको प्रोडक्शन मेथड की बात करूं तो अगर मैं इसको भी करूं तो एक कॉमन से तीन लैंग्वेज आप तीन लाइन बना लीजिए। जैसे कि आय को अर्जित करने वाले को हमने तीन हिस्सों में बांटा, काम से आए, संपत्ति और उद्यम रीति से आए, और स्वनियोजन से आए। स्वनियोजन से आए को बताया कि इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, और मिक्स्ड क्यों कहते हैं ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, क्योंकि उनके इनकम को जो आदमी जैसे कहीं काम धंधा ना करके अपना धंधा खुद कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहा हो कहीं, तो ऐसे व्यक्ति क्या है जो स्वनियोजित कहलाते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और उनकी आय स्वनियोजन से आय मिश्रित आय। क्यों? क्योंकि उनके इनकम में इंटरेस्ट भी है, उनके इनकम में मजदूरी वेजेस भी है, उनके इनकम प्रॉफिट भी है, इसलिए उनकी इनकम मिक्स्ड इनकम है। तो अगर मैं नेशनल इनकम को राष्ट्रीय आय को आय विधि से करूं तो इसको काम से आय में मजदूरी व वेतन हुआ, इसमें भी डिफरेंस आता है कई बार, यानी कि शारीरिक श्रम से मिला फिजिकल वर्क से तो वेजेस, मेंटल वर्क से मिला तो सैलरी, है ना। तो ये हो गया मजदूरी वेतन। दूसरा आता है जो ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, है ना, इसमें क्या है संपत्ति व उद्यम रीति से आय को प्रचालन अधिशेष कहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस इज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसकी इनकम को भी अगर मैं प्रॉपर्टी से बात करूं तो क्या मिला, इंटरेस्ट मिला या रॉयल्टी या रेंट है, है ना, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप से मिलता है प्रॉफिट। तो ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पेपर में जब क्वेश्चन होता है, अगर मैं शॉर्टकट में कहूं तो मैंने क्या किया, कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी और वेतन, है ना। कई बार क्वेश्चन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है तो मजदूरी और वेतन दोनों इंक्लूडिंग है उसमें, वेजेज भी है सैलरी भी है, साथ में एक पेंशन भी आता है सेवानिवृत्ति पेंशन, या एक खासकर क्वेश्चन एक होता है मालिकों द्वारा यानी कि नियोजकों द्वारा जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटीज। तो ध्यान रखिएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है यानी कि मालिकों का है तो शामिल होगा, एम्प्लॉय का है तो शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लेते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक ही वर्ड दिया है तो ये भी ध्यान रखिए कि केवल कर्मचारियों का पारिश्रमिक आएगा, उसमें ये तीनों ही चीजें इंक्लूडिंग है, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में मजदूरी भी है, वेतन भी है और वो भी है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। प्रचालन अधिशेष में भी लगान किराया ब्याज और लाभ है, लाभ को खासकर प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट टैक्स या डिविडेंड को लिख देते हैं। जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं तो पता चला जब आपने प्रॉफिट ले लिया तो डिविडेंड को अलग से नहीं लेंगे, है ना, वो ऑलरेडी उसमें शामिल है। यू शॉर्टकट में याद करके चलिए कि अगर उसके कुनबे को लिख दिया, अपने फादर को लिख दिया तो उसके छोटे छोटे बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप शॉर्टकट, तब आपका न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही जब आप नेशनल इनकम निकालना है यानी कि तीनों को जोड़ेंगे, काम से यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित है, तो आपका आएगा NDPFC, है ना। और एक चीज ध्यान रखते जैसे कि GDP है, GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यह है NNPFC, है ना, नेट नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जी से एन के बीच का डेप्रिशिएशन है माइनस, यानी कि मूल्यह्रास, है ना। अब समझिएगा अगर ये एन नेट दिया है, ये जोड़ूंगा तो ये आएगा, ये इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, डी है और ये एन है, एमपी है और एफसी है, मार्केट प्राइस पे कोई चीज है
और फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए, यानी कि ये बाजार कीमत पर है और ये साधन लागत है, तो बाजार कीमत में मैं क्या करूंगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इंटरेस्ट, क्या कहें, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी, तो आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये माइनस करूंगा तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाऊंगा मैं, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस पे है वो तो उसमें टैक्स भी इंक्लूडिंग है, उससे जैसे माइनस करेंगे तो साधनों को जो मिला है ये माइनस करते हैं। और ये डी और एन यानी कि डोमेस्टिक है, और इससे जब आप नेशनल पे जाएंगे तो प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, तो ये ऐड करेंगे, शुद्ध विदेशी साधन है तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, अगर एन पे है इधर जाएंगे तो माइनस करेंगे, यहाँ है तो ये प्लस करेंगे तो आएगा। तो इस तरीके से तीनों चीजें निकल जाती हैं। तो आप जब भी निकालते हैं इनकम मेथड से तो आपका क्या निकलता है, एनडीपीएफसी, जिसको हम घरेलू आय कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम, है ना, और इसमें हम एन पी पर जोड़ेंगे ये वाला तो हमारा आएगा नेशनल इनकम। और जब हम प्रोडक्शन मेथड से कर रहे होते हैं या एक्सपेंडिचर मेथड से तो हमारा निकलता है जीडीपीएम, ये निकलता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूजन कहाँ कहाँ की जाती है, जैसे जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं तो उसके क्या है कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, शुद्ध निर्यात, है ना, और सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यानी कि इंग्लिश में मैं कहूं तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद हुआ एक फोर्थ जो नेट एक्सपोर्ट। अब कंफ्यूजन कहाँ की जाती है, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जाते हैं तो कंफ्यूजन करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड में मैं बता रहा था कि अब कंफ्यूजन कहाँ करते हैं। आपको पता है कि पहला है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि निजी अंतिम हुए सरकारी अंतिम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कई बार दे देते हैं एक दो रकम लेकिन ज्यादातर नहीं होता है पेपरों में। इसके बाद जो आता है ग्रॉस कैपिटल डोमेस्टिक फॉर्मेशन में, आप ध्यान रखिए कि ग्रॉस कैपिटल डोमेस्टिक फॉर्मेशन है, ग्रॉस की जगह अगर नेट लिख दिया तो आपका जीडीपी की जगह एनडीपी आएगा, क्योंकि उन्होंने ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। ग्रॉस कैपिटल के साथ अगर उन्होंने फिक्स्ड वर्ड और जोड़ दिया तो उसकी वैल्यू कम कर दी है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ और एक दूसरा जिसको हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक हुआ, यानी कि अगर मैं चेंज इन स्टॉक भी लूंगा यानी कि स्टॉक में परिवर्तन, तो वहां ध्यान रखिएगा स्टॉक में परिवर्तन मैं तभी लूंगा जब यहाँ पे सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दिया है, यानी तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण हर तरीके से हुआ, हालांकि इसमें एक मूल्यवान वस्तुओं का शुद्ध अर्जन भी आता है लेकिन उसको छोड़ दीजिए, पेपर में नहीं होता है, लेकिन ग्रॉस कैपिटल डोमेस्टिक फॉर्मेशन है। फिक्स्ड वर्ड लगा तो चेंज इन स्टॉक लेंगे, फिक्स्ड वर्ड नहीं लगा, फिक्स्ड वर्ड को देखिए केवल, यानी कि अचल पूंजी निर्माण दिया है तो स्टॉक में परिवर्तन लेंगे, स्टॉक में परिवर्तन आता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, यानी कि अंतिम स्टॉक का मतलब है जो 31 मार्च का है 31st ऑफ मार्च का वो फाइनल स्टॉक है, और जो 1st अप्रैल को है वो इनिशियल स्टॉक है, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो चेंज इन स्टॉक आएगा, तो यानी कि ये भी हो गया। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी का मतलब है कि जो हम कॉन्स्टेंट प्राइस पे ले रहे हैं, यानी कि वास्तविक जीडीपी है वो क्या है, स्थिर कीमत पर है। इसमें तभी इनकम में वृद्धि होगी जब देश की वास्तविक जीडीपी में ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी होगा, महंगाई बढ़ जाए और उसके कारण हो गया, यानी कि वो कॉन्स्टेंट प्राइस पे ना होकर करंट प्राइस पे, यानी कि चालू कीमत पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है या जीडीपी की गणना की जाती है तो वो जो है नॉमिनल कहलाता है, यानी कि वो एक मौद्रिक राष्ट्रीय आय है, तो ध्यान रखिए कि वो महंगाई के कारण भी बढ़ सकती है, जबकि रियल वाला तो तभी वृद्धि होगी जब आपकी कीमत प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। और इसके लिमिटेशंस भी बताऊं आपको कि पर कैपिटा इनकम एक अच्छा मान लो, जो पॉपुलेशन भी बढ़ जाए, इनकम भी बढ़ जाए, तो देश में जो है बहुत ज़्यादा लोगों का वेलफेयर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उतनी उनकी नहीं हुई। और दूसरी बात इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, है ना, यानी कि जीडीपी के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, तो ये सब इसकी कमियां भी, यानी कि अगर मैं किसी देश की जीडीपी या नेशनल इनकम बढ़ने लग जाए तो उससे मैं उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गई है इसकी बात हम नहीं कह सकते कि ये गारंटीड है, क्योंकि उसके साथ और भी कई फैक्टर इंक्लूडिंग होते हैं जिसको देखना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर की, एम्प्लॉयमेंट, जो नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इस चैप्टर को देखते हैं, ये चैप्टर हमारा जो है 12 मार्क्स का है ना,
और ये ध्यान रखिएगा कि 12 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, खासकर क्योंकि 12 मार्क्स है इसमें, जैसे कि क्या क्या टॉपिक्स है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, AES है ना, इसके फैक्टर, AD क्या होता है, C+I, हालांकि मैं दो ही फैक्टर बता रहा हूँ और भी दो होते हैं, लेकिन C+I, C+S क्या होता है, AS, जहां AT और AS दोनों बराबर होते हैं वहां पे नेशनल इनकम का क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अगर मैं बात करूं कि ये ध्यान रखें, जहां सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार देने वाली सामूहिक पूर्ति की, यानी कि AS और फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्वल होता है, वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अब इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं और ये पेपर में आएगा भी। अब देखिए, खासकर वैसे कि ये इक्विलिब्रियम है, ये भी जिस बच्चे की अच्छी तैयारी हो ये भी ध्यान करके कर सकते हैं कि 45 डिग्री ही क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो इक्वल, जितनी इनकम होगी उतनी एक्सपेंडिचर हो, तो उस हिसाब से जो है AS और इसका रेशियो करके जो AS है, AS बराबर होता है C+S और ये होता है C+I। अगर मैं बात करूँ AS बराबर AD है ना, यानी कि C+S = C+I है, तो सी से सी कैंसिल, एस बराबर आई है, यानी कि AD बराबर AS मैं लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, बात एक है, आप समझ जाइएगा। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, है ना, तो सी से सी कैंसिल, तो I = S, जहां ये इस वाले पॉइंट पे I और S बराबर। अब ध्यान रखिएगा, इस पे दो कंसेप्ट होता है, एक्सेस डिमांड यानी कि जिसको अधिमांग कहते हैं, है ना। अगर मान लो ये, इसको ध्यान रखिए आप, ये किया, अगर इसके ऊपर मैं एक लाइन ले लूं ऐसे इसके पैरेलल, तो ये जो आएगा, ये कंडीशन क्या है कि जब सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार देने वाली सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, देन इट इज नोन एज एक्सेस डिमांड, और इससे बनने वाला जो है इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप ये है, इसी को हम कहते हैं स्फीतिक अंतराल यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप, जो भारत में अभी स्थिति है कि महंगाई बढ़ रही है, इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसको अगर मैं नीचे कर दूं तो ये डिफ्लेशनरी हो जाएगा, ये अगर यही लाइन में नीचे कर दूं तो ये डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा, तो ये डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है जहां पे मांग कम हो गए, है ना, यानी कि सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार देने वाली सामूहिक पूर्ति से कम है, तो इसको हम कहते हैं अल्प मांग, यानी कि डिफ्लेशनरी गैप। तो ध्यान रखिए, दोनों में आता है मॉनेटरी पॉलिसी और रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी के यानी कि राजस्व नीति क्या है, एक्सपेंडिचर और इनकम है, कि सरकार अगर अपनी टैक्सेस बढ़ाने लग जाए, कब बढ़ाएगी, जब सपोज करिए कि अगर सरकार ने अपने टैक्सेस बढ़ाने चालू किए तो हमारे पास पैसा जो खर्च करने के लिए होगा वो कम होगा, क्योंकि मैंने टैक्स ज्यादा पे किया है, तो ऐसे में क्या होगा, मेरी कंजम्पशन कम हो जाएगी, मेरी मांग कम होगी, तो क्या होगा, मार्केट में जब वस्तुओं की मांग कम होगी तो कीमत में कमी आएगी, तो ऐसा सरकार कब करेगी, जब इन्फ्लेशनरी गैप होगा, तो सरकार दो काम करेगी, अपने इनकम बढ़ाएगी यानी कि टैक्सेस को बढ़ाएगी, और हमारे अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, यानी कि देखा जाए तो इसमें वो सेविंग का बजट बनाएगी, एक्सपेंडिचर कम करेगी, जैसे कहीं कहीं सड़कें हैं और भी कई कई काम है, उस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो क्या होगा, मार्केट में पैसा कम आएगा। ये ध्यान रखिए, जो लीकेज है और जो पैसा जिसको इंजेक्शन कहते हैं, तो लीकेज और इंजेक्शन का मतलब है कि कई बार लोग सेविंग कर लेते हैं या कुछ ऐसा पैसा बाहर निकल जाता है इकोनॉमी से, तो उससे लीकेज हो जाती है, और कई बार गवर्नमेंट इंजेक्ट करती है पैसा और दे देती है, जैसे अगर मान लेते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा वर्ड है एक हमारा जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश, तो जो ऑटोनोमस है वो तो इकोनॉमी को करना ही करना है, जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसको इनकम के मोटिव से किया जा रहा है। तो सरकार के बात अगर मैं बात करूं तो सरकार की स्थिति ईसा मसीह जैसी है, इतनी ज्यादा किले हैं कि वो हिल डोल कम सकते हैं, उनको देखना है कि करना क्या है, सरकार को कब एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, कब घटाना है, कब उनको अपने टैक्सेस बढ़ाने हैं, कब घटाने हैं। अभी जैसे कि टैक्सेस का बर्डन ज़्यादा आ गया है लोगों पे, तो उससे लोगों की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है, खासकर फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो उस कारण से भी फर्क पड़ा है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में ना जाते हुए केवल काम की बात करें कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास CRR आता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, इस पर एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन, तीन नंबर का क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट्स बना दिए गए हैं। दूसरा है बैंक रेट है, सरकार क्या करेगी,
जब इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो हर चीज को बढ़ाएगी, बैंक रेट बढ़ा देगी ताकि लोन महंगा हो जाए। जैसे मान लेते हैं हम लोन लेने जा रहे हैं, कोई चीज मार्केट में देखा फ्री है ना, बाइक जीरो ईएमआई है, ये है वो है, तो मन में आता खरीद लो, खरीद लेंगे तो डिमांड बढ़ेगी है ना। अगर ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है तो सरकार क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, लोन महंगा कर देगी है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बताइए। तो ध्यान रखिएगा डिफ्लेशनरी गैप में हर चीज को कम करते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप में मैं मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, खासकर जैसे कि आपका बैंक रेट हो गया, आपका सीआरआर हो गया है ना, या आप उसको खुले बाजार की नीति जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है वो है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, असेट्स कई बार दे देती है सरकार और बाकी व्यापारिक बैंकों से यानी कि कॉमर्शियल बैंकों से पैसा ले लेती है, यानी कि उनकी क्रेडिट को कम कर देती है, लोन देने की क्षमता को कम कर देती है। तो ये थोड़ा सा कि टिपिकल टाइम कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ इतना, लेकिन सफिशियंट है। इसमें आपका पेपर 101% होना ही होना है। इसमें एक और चीज छूटता है, के का मतलब क्या होता है, के दो फार्मूले हैं, एक तो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, यानी कि के को किंग्स ने कहा था कि जब हम किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम उससे कई गुना ज्यादा होता है, उसको के ने कहा कोफिशिएंट से गुणक के रूप में नाम दिया। और ये क्या है कि अगर इसको हम मैं कहूं तो 1/MPS है, और MPS का मतलब 1/1 - MPC। जरा ध्यान दीजिएगा, MPS प्लस MPC दोनों मिलकर 1 होता है। ये भी क्वेश्चन आता है दोनों 1 क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये है डेल्टा S बाई डेल्टा Y और ये है डेल्टा C बाई डेल्टा Y और ये डेल्टा ये 1 है दोनों है ना मिलकर। क्यों है कि अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम बढ़ी है, तो इनकम कैसे बढ़ी है, दो कंडीशन, या तो उसको उसने खर्च किया और या तो उसने सेविंग किया, इनकम जो बढ़ी उसको, तो सी प्लस वाई है। अगर मैं कहूं कि सी प्लस एस बराबर वाई है, दोनों में मैं वाई से डिवाइड कर दूं तो देखिए ये एपीसी एपीएस 1 आ जाएगा, एपीसी एपीएस, लेकिन जब मैं डेल्टा सी डेल्टा वाई करूंगा है ना, यानी कि चेंज इन इनकम, इनकम मान लो किसी की 2000 बढ़ गई तो उसने क्या किया, 700 रुपये उसने कंजम्पशन बढ़ाया, 300 रुपये उसने अपने सेविंग को बढ़ा दिया, तो ये दोनों ही मिलकर अंत में तो होने वही है, तो इसलिए ये बराबर 1 होता है। इस पे क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में कि एक इकोनॉमी में MPS जो है या MPC दिया हुआ है, कहता है MPC दिया हुआ है 0.75, तो हमारा 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 0.75 है, यानी कि ये है 0.75, तो मेरा इनकम कैसे होगा 1/1 - 0.75, क्योंकि ये हो गया फार्मूला 1/1 - MPC, तो ये क्या हुआ 1/0.25। इसको जब मैं करूंगा तो K की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए कहता है 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है और यहाँ डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई क्या होगा 1000 × 4 = 4000 करोड़ है ना, अगर 1 करोड़ में लूट दिया है तो आंसर आएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 0.75 की जगह 0.8 है तो आंसर आ जाएगा, यहाँ K की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो यहाँ 5000 करोड़ मोस्ट एक्सपेक्ट। हालांकि दूसरा क्वेश्चन एक और है जिसमें वाई बराबर सी प्लस बी वाई करके दे देते हैं, वो थोड़ा सा जिसको जिसकी अच्छी तैयारी है उसको कर लेंगे, अदरवाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही है कि के की वैल्यू का। इसके बाद इसमें और भी कोई क्वेश्चन अल्लाह सा नहीं बनता, ये 3 मार्क्स में आ जाता है। नेशनल इनकम का क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, नेशनल इनकम का क्वेश्चन 3 मार्क्स में, प्रिकॉशंस क्या क्या सावधानी रखेंगे, जैसे डबल काउंटिंग से बचेंगे, सेल्फ कंजम्पशन वाली वस्तुओं को शामिल करेंगे, मकान का 100 काबिज किराया भी शामिल किया जाएगा है ना, दोहरी गणना से बचने की कोशिश की जाती है, साथ में चोरी या इलीगल कमाई को शामिल नहीं किया जाता, तो अलग अलग मेथड के प्रिकॉशंस आते लगभग एक जैसे हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इतना ही आपका पार्ट वन में जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में बनता है। अब मैं बात करता हूँ इंडियन इकोनॉमी। अब जैसे इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर 7, 8, 9, 10 है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और आपका इंडिया पाकिस्तान है चाइना है। तो एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है, मैं क्वेश्चन करूँगा क्योंकि वीडियो लेंदी होता जा रहा है। इसके बाद जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तो हो लेकिन जॉबलेस हो, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ जाए और उसके कारण ग्रोथ होने लग जाए तो हम इसको जॉबलेस ग्रोथ कहेंगे है ना। ये नहीं कि और भी कई कंडीशन हो सकते हैं, जैसे फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग जाए
तो उससे क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी इतनी नहीं रहती। तो ये भी मायने रखता है कि हम जब जॉब की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि जो विलिंग है उनको काम मिल जाए। इसमें दो क्वेश्चन और आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्क फोर्स और लेबर फोर्स। लेबर फोर्स यानी कि श्रम बल और कार्यबल। श्रम बल वो है यानी कि जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जबकि वर्क फोर्स का मतलब है जो श्रम बल का वो हिस्सा जो काम में लगा हुआ है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयड यानी कि जो बेरोजगार, यानी कि दोनों को मिलाकर बनता है वो लेबर फोर्स है। इसके अलावा अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप, जैसे खासकर पेपर में आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, क्या है डिसगाइज, जो कि दिखाई नहीं दे रही है ना लोगों को। अगर एग्रीकल्चर में बात करूं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अगर काम पे ना ले जाएं तब भी उसका प्रोडक्शन नहीं फर्क पड़ता उनसे, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। और सीजनल भी है बेरोजगारी, एक ऐसी जो मौसमी बेरोजगारी है, जैसे कि समय पे किसान के धान का मौसम है वो बेरोजगार नहीं था, रोजगार में था, जैसे सीजन खत्म हुआ वो फिर बेरोजगारी में आ गया है ना। ऐसे किसी भी बेरोजगारी भी टेक्नोलॉजी के कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न। तो मेन चीज ये है डिसगाइज और सिग्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास क्या सजेशन है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, या गवर्नमेंट ने कौन कौन से जैसे मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट्स है, तो ये क्वेश्चन एक बार पेपर में जरूर आ जाता है। और क्वेश्चन है कि इज इट नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर रेदर देन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। आपको एक चीज बता दूं कि आजकल फॉर्मल सेक्टर में भी इनफॉर्मल वे इनफॉर्मलाइजेशन हो गया है, जैसे कि जो गैर संस्थागत जो बिल्कुल फॉर्मल है, जैसे मान लेते हैं भारतीय रेलवे, लेकिन उन्होंने ठेके पे इतने सारे लोगों को रख लिया जो आज की तारीख में अगर कोरोना की वजह से वो बेरोजगार हो गए, उनको ठेके पे काम नहीं मिला, तो वो भी एक तरह से सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली, यानी कि एक तरह की उनकी बेरोजगारी और उनके साथ अत्याचार है। तो मिला जुला कर कि वहाँ इनफॉर्मलाइजेशन कर देना ये भी गलत है। तो ये जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल वे में एक अच्छी रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो बेरोजगारी जैसे आज देश की समस्या बनी हुई, तो इसको दूर करने के लिए जरूरी है कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए। आपसे भी सलाह मांगे जा सकते हैं पेपर में कि आप क्या सुझाव देंगे, तो आप उसके लिए जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बना दें तो लोगों को वहीं रोजगार मिल जाएगा, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर हम अपने आप में डेवलप करने लग जाए, पूरे वर्ल्ड में हमारी चीज़ों की डिमांड है, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया हो जाएगा। तो ये सब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बात करूं मैं कि एजुकेशन है, हेल्थ है, ये ऐसी चीज है जो इकोनॉमी के लिए जरूरी है। अगर सरकार ने सड़कें बनाई और लोगों ने उसकी खुदाई कर दी तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम किया है। तो ऐसे में जरूरी है कि एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस मिले, हेल्थ को भी मिले। तो इसमें हेल्थ एक मेजर चैलेंज है, जैसे कोरोना ने अभी दिखाया कि हमारी हेल्थ की हालत क्या है, हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा हो, नर्सिंग हो, तो इस पर आपके केस स्टडीज भी बनता है कि आप क्या सजेशन देंगे, किस तरीके से देंगे। और यात्रा है, परिवहन है, संचार है, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो आपका आता है वो इकोनॉमिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में 101% होगा आपके। ये क्या है कि जब हम भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि टू थिंक अबाउट द फ्यूचर नीड्स, है ना, फ्यूचर जनरेशन, then it is that type of growth is known as sustainable development, है ना, धारणीय विकास इसको कहते हैं, जब आने वाले पीढ़ी का ध्यान में रखें। अब देखिए इसमें तीन डिफरेंस आता है पेपर में अक्सर, कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन उसके साथ तकनीकी ज्ञान के कारण बढ़े, यानी कि मैं कम मेहनत करके ज़्यादा कमाने लग जाऊँ, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और अगर मैं नेचर का भी ध्यान में रखूँ, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम दोहन करूं, मैं कम से कम उसको एक्सप्लॉइट करूं या रेशनल यूज करूं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको आप कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आएगा। और इसको देखिए इसी पे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डेप्लीशन है, है ना, ये सब देख लीजिएगा, बड़े ईजी टॉपिक्स है, इसको ईजिली करके इसको आप कैसे आप सही कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आपके बनते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, सॉयल इरोजन, जिसको मृदा संक्षरण कहते हैं, है ना। तो ये क्या है कि उससे भी हमारा एनवायरनमेंट लॉस होता है। तो ये सब मिलाकर का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं, तो उसको देख लीजिए। अब इसके बाद इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना का है, ये ध्यान रखिए कि जो पाकिस्तान हालांकि हमारे जो पंचवर्षीय योजना है, जो 5-year plan है, सबसे पहले भारत ने लागू किया था 1951 में, चाइना ने हमारे बाद किया, पाकिस्तान ने भी बाद में किया, लेकिन हम सबसे पीछे हो गए।
है ना, सबसे पीछे पाकिस्तान से तो आगे है। इसमें एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि भारत चाइना चल रहा दौड़ रहा है, चाइना की अर्थव्यवस्था भारत की चल रही है और पाकिस्तान लड़खड़ा के चल रहा है, है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों का एक तरह से इकोनॉमिक कंपेरिजन करना है आपको। अगर पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, इंडिया का कम है, हालांकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जीवन प्रत्याशा क्या है कि एक बच्चा जो जन्म लिया उसके कितने साल तक जीने की मतलब उम्मीद है, है ना, मतलब उसकी हेल्थ को देखकर। तो ये सब इसके जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें चाइना हमसे आगे कैसे है, है ना, तो उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें केस स्टडी भी बनता है कि अगर आपको कंट्रीज के तीनों के आपको डेटा दे दिए जाए और उस पर कई क्वेश्चंस बना दिए जाए, क्योंकि 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF जो है वो चाइना ने किया था 1958 में, उन्होंने घर घर में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। चाइना हमसे आगे कहां बढ़ा है, हमने जब कहा ना हम दो हमारे दो, है ना, जो हमारा परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग थी, तो चाइना ने कहा हम दो हमारे एक, है ना, वन बेबी प्लान जो उनका है। उसके बाद जो 1978 में ही उन्होंने इकोनॉमिक को जो है ओपन कर दिया, जैसे हमारा जो लिबरलाइजेशन 1991 में आया है, जो भी पाकिस्तान के भी बाद में उन्होंने 89 में किया था। ईयर में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, वैसे मैं 99% श्योर हूँ कि 1989 में पाकिस्तान ने किया, जबकि चाइना ने 78 में किया। तो उसमें क्या है, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये प्रक्रिया को हमने बाद में किया। हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन वगैरह काफी जोरों पे चल रहे थे, सरकार के ऊपर बाउंडेशंस थी कि अगर कंप्यूटर आएगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन उसके बाद भी जब हमें सोने गिरवी रखने पड़े थे 1990 के आसपास, 89 में जब कई बार सरकारें चेंज हुई थी, तो हमने ये पॉलिसी लाई और उसके बाद हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगी दोबारा से। तो ये हमारे ग्रोथ का जो है, चाइना से हम यहाँ इस कारण से पीछे हो गए, और भी कई फैक्टर करप्शन वगैरह भी है, लेकिन आपको फिर भी ओवरऑल आपको इस तरह से इवेल्युएट करना है। उम्मीद है जितने मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड इक्वेशन बताए हैं, एक तरह से मैंने इस वीडियो में क्विक रिविजन करा दिया है। इसका मोटिव ये नहीं था केवल कि आपको मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बताऊं, पूरे जितने टॉपिक्स हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 और 25 के बीच में मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोले हैं उसका पूरा पूरा चांस है कि पेपर में आपको कल मिलेगा। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप इस वीडियो को ज़्यादा वन डे बिफोर सीरीज का मतलब ये है, एक दिन जितने बच्चे देख सकते हैं एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम घर से निकलने से पहले आप देखिए, आपका क्विक रिवीजन हो जाए, या आप ऐसे लीड लगाकर सुनते रहिए बेशक, और उसके बाद पेपर देने जाइए, ताकि आपका क्विक रिवीजन जो काम 5 घंटे का है वो आपका आधे घंटे में हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये हमारी पहल पसंद आई होगी। वन डे बिफोर का मोटिव आपका क्विक रिवीजन है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।